नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज तारीख है 3 और अप्रैल मंथ की पहली ट्रेडिंग सेशन की आज डेट थी। दिन सोमवार का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था, उसको भी डिस्कस करेंगे। और कल की शायद छुट्टी है और हमारा मार्केट अब खुलेगा वेडनेसडे वाले दिन, और दिन रहेगा अपना 5 अप्रैल का। ठीक है, हुआ क्या, जो कल एक्सपायरी होती है अपनी फाइनेंस निफ्टी की, वो हमारी एक्सपायरी आज हो गई, इसलिए मार्केट में आपको जनरली मंडे जो एक्शन पैक मूव रहते हैं, ठीक है, सारी न्यूज़ को डाइजेस्ट करना पड़ता है। फ्राइडे को जो भी मोमेंटम मार्केट छोड़ के जाता है उसको भी डाइजेस्ट करना होता है, वो सब चीज़ें नहीं देखने को मिली आज। और एक थोड़ा थका हुआ सा प्रॉपर एक एक्सपायरी टाइप का डे दिखा, उसका रीज़न यही था कि कल छुट्टी है और फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी आज हो गई है। ठीक है, अब 5 अप्रैल को क्या है, वेडनेसडे, एंड 6 अप्रैल को है अपनी शायद एक्सपायरी। ठीक है, और मेरे को लगता है उससे अगले दिन भी छुट्टी है, तो काफ़ी 3 दिन ही है, छुट्टी छुट्टी वाला माहौल है। तो आइए हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मिस नहीं करना है आपको, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, काफ़ी उसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले यह है डिस्क्लेमर, इसको पक्का से पढ़िए, एक ये शगुन होता है, कोई भी चीज़ अच्छा काम करने से पहले, श्री गणेश, उसे एनालिसिस करने से पहले डिस्क्लेमर। अब आ जाइए जरा सा चार्ट। ठीक है, कैंडल यहाँ पे जो आपको देखेगी वो कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप की कैंडल है। ठीक है, हालांकि मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, और जहाँ से जो मुझे दिखा मैंने पूरा उसको वहाँ पे आपके साथ साझा किया था पूरे दिन के दौरान, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू कनेक्ट। कुछ लोग टेलीग्राम यूट्यूब पे फिर क्या कहते हैं, कमेंट करते हैं कि सुबह आपने ये बोला था। देखिए, सुबह जब मैं चाय की चर्चा करता हूँ 9 बजे से पहले पहले, तो वहाँ मैं पूरे दिन का व्यू अपने आपका साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब मार्केट में 10 बजे मुझे कुछ दिखता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी पिछले दिन हुआ था 17,200 पे मैंने बोला था प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, बट मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई, 17,210 के ऊपर ओपन हुई, और जो फर्स्ट मिनट में, पहले मिनट में जो डेरिवेटिव्स अपने आप को एडजस्ट करके अगर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है, तो वो 9:15 पे कभी नहीं होता, वो 9:16 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो ये जो प्राइस था वो आके 17,270 हो गया था। तो ये सब चीजें मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करी थी कि भैया एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब यूट्यूब पे जो है वो बोलेगा कि 17,200 से तो खुला ही ऊपर, क्या करना था, ये करना था। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि हर वक्त हर समय अपडेट देने के लिए वीडियो बहुत मुश्किल है बना, हालांकि फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक सुबह आपके साथ चाय पे चर्चा पे अपना व्यू शेयर कर दूँ। ठीक है, एक फिर आफ्टरनून अपडेट कभी जो मुझे टाइम ठीक लगता है मार्केट के मूव के हिसाब से, 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, वो मैं तब बना के शेयर करूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंडल को आप देखेंगे तो इस कैंडल को बोला जाता है क्या, हैंगिंग मैन कैंडल। और हैंगिंग मैन कैंडल क्या बताती है, एक बेयरिश कैंडल होती है फॉर ट्रेंड। ठीक है, एक बेयरिश कैंडल होती है फॉर ट्रेंड, कैसे लगता है जैसे पहाड़ पे कोई लटका हुआ आदमी है, इस प्रकार से कैंडल मिली आपको। एक सिमिलर टाइप की कैंडल सिमिलर सेम प्राइस पे यहाँ भी दिखेगी। ठीक है, बट ये कैंडल क्या है, इसे कहते हैं हैमर। ठीक है, ये कैंडल क्या है, इसे कहते हैं हैंगिंग मैन। अब कुछ लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, काफी आपको एनालिसिस में आज इसको हैमर ही बोलते हुए दिखेंगे लोग, बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं। ये बनता है हमेशा जब ट्रेंड अप साइड का होता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल होता है अप ट्रेंड का नीचे वाले के लिए, साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, साइन होता है। ये हैमर कैंडल बनती है जब नीचे की तरफ प्राइस गिर रहा होता है। ठीक है, जैसे ये रेड कैंडल बनी तो नीचे एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है, ये होता है बुलिश साइन होता है। ठीक है, और ये बुलिश साइन और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है अगर ग्रीन कलर का हैमर बनता है। ग्रीन कलर का हैमर कब बनेगा, जब ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज कर। ठीक है, तो ये कैंडल आपको ऐसे दिखेगी और ऐसे आपको ये नीचे की तरफ इसका डंडा दिखेगा। तो ग्रीन कलर का हैमर बहुत तगड़ा तरीके से काम करता है, मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। ये रेड कलर का हैमर है, हालांकि ये भी ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, बट ये फेल हो गया, क्यों, क्योंकि इसका लो टूट गया, इसका लो टूट गया, तो प्राइस और नीचे और नीचे और नीचे। ठीक है, अब ये हैंगिंग मैन बना है यहाँ पे। ठीक है, अब इनको समझिए, ये कैंडल साइन है ट्रेंड रिवर्सल की, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कब होगा, जब कल इसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग आई विद रेड कैंडल, इस लो के नीचे एक रेड कैंडल की तरफ से क्लोजिंग आएगी,
तो इसका मतलब इसने अपना काम किया है और मार्केट का एक बार ट्रेंड चेंज किया है। यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, मैक्सिमम पहला टारगेट फिर हमारा ये हो जाएगा जो 17,120 के आसपास है, जो गैप है ये फिल होने के लिए। बट क्या ये नीचे की तरफ क्लोज करेगा, ठीक है, वो सब देखने की बात है। कई लोग अब इस गैप की फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको गैप ही जरूर फिल होता हुआ दिखेगा, ऐसे तो गैप यहां पर भी है, ठीक है। ये देखिए ये रहा, ऐसे गैप यहां पर भी है, कितना बड़ा गैप है ये, ठीक है, ये गैप ये रहा, ये भी कितना बड़ा गैप है। और 12,000 की लाइन में भी गैप है बाबूजी, 12,200 के आसपास गैप है, जाके देख लीजिए, ठीक है, 10,400 के आसपास भी गैप है, और ये मैं डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई बहुत ही तगड़ा चार्ट एनालिस्ट होगा, 5,600 निफ्टी के आसपास भी शायद गैप है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गैप फिल हो। देखिए बड़ा गैप होता है तो मैक्सिमम चांस होते हैं 80-90% मार्केट उसको बहुत जल्द फिल कर देता है, बट ये भी बड़े बड़े गैप है, कोई छोटे मोटे गैप नहीं है, ठीक है, लगभग 1-1% के आसपास के गैप हैं ये, 1-1% तो नहीं, आधा आधा परसेंट, क्योंकि 100-160 के आसपास निफ्टी बैठेगा जब यहाँ पे 1% बैठेगा, क्योंकि 16,000 की लाइन में है, 70-70-80-80 पॉइंट के गैप हैं, ये छोटे मोटे गैप नहीं है। और यहाँ पर भी जो गैप आपको देखने को मिला है ये भी 100+ पॉइंट के आसपास का शायद गैप है, पता लग जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इस वाली कैंडल का हाई देखिएगा, ठीक है, इस वाली कैंडल का हाई देखिएगा, देखते हैं कितना है, ठीक है, 17,126। इस वाली कैंडल का आप इधर लो देखिएगा कितना है, 17,204। तो 17,204, 17,126 कितना डिफरेंस आता है, 74-78 पॉइंट का गैप, बड़ा गैप है, कोई छोटा मोटा गैप है नहीं। पर एक क्या है, गैप अगर ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये तो एक दिन भर ही जाएगा, निफ्टी जाना तो है ये एक दिन, 30,000-40,000 ये तो एक दिन फिलअप हो ही जाएंगे। बात होती है जब नीचे वाला गैप बना है, क्या वो फिलअप होते हैं? तो हमारे पास कुछ आज की डेट में ऐसे एग्जाम्पल हैं, गैप फिल भी नहीं हुए और बहुत लंबा टाइम हो गया है उनको, ठीक है, जैसे ये गैप मेरे ख्याल में 1 साल ही हो जाएगा ये गैप फिल नहीं हुए। तो इन कहने का मतलब ये है कि इनको ये मत सोचिए कि हम इनको पुट लेके इनको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आप प्राइस एक्शन को देखिए, आप चार्ट को देखिए, फिलहाल मार्केट ने किया क्या है, मार्केट एक कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, तो कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, जाम में से कोई गाड़ी निकलती है, कैसे निकलती है, गुड़गांव दिल्ली ट्रैफिक या बॉम्बे के ट्रैफिक में आप कभी जैम में फंसे होंगे, तो जब वहां से गाड़ी निकलती है तो कैसे निकलती है, अबे खींच ले, बड़ी मुश्किल से निकले, लंबा रास्ता तो तय तो करेगा कम से कम ये यहाँ तक का रास्ता, ठीक है, 17,800, इससे पहले ये वापस मुड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। मेरी सिंपल सा कहना आपको है, पैटर्न फेल होते हैं, ऐसा नहीं है पैटर्न फेल नहीं होते हैं, गिर भी सकता है यहाँ से, बट उसका हमें अंदाजा लग जाएगा इसके नीचे जब क्लोजिंग आए, ये है 17,200, ठीक है। फिलहाल आप इसको लेके चलिए, इस प्रकार से जाना चाहिए ये, यहाँ गैप फिल हो जाना चाहिए, हल्का सा नीचे की तरफ रिट्रेस कर सकता है, और मुझे लगता है कि यहाँ तक भी जा सकता है, इस रेंज में भी जा सकता है, बट वो बाद की बात है, यहाँ पे एक ऐसा बिहेव करेगा वो हम तब देखेंगे। फिलहाल जो एंटिसिपेशन है वो यही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो मैं नीचे की तरफ कोई ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। अगर मुझे मार्केट नीचे की तरफ मिलता है तो मैं उसे ऊपर के लिए बाय करने की सोचूंगा, ना कि इस चीज को मैं ट्रेड करना चाहूंगा, मैं इस चीज को ट्रेड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो कुल मिला के आपके साथ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मैंने शेयर किया है, इंट्राडे बेसिस आज मैंने 17,300 का एसएल बता दिया था, और सबको जाते हुए बोल दिया कि इंट्राडे वाली पोजीशन बुक कर लो, पोजिशनल वाली आप कैरी कर सकते हो। तो सेम है मंडे को भी, सॉरी वेडनेसडे को भी, जब मार्केट खुलेगा देखते हैं किस किस प्रकार खुलता है, कहाँ से खुलता है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा इसको जो आज की इसकी ओपनिंग है, ठीक है, आज का जो ओपनिंग प्राइस है अगर आप उसको देखेंगे, ये है 17,420 बस, और आज की क्लोजिंग है 17,397। अब हमें बुधवार के लिए इंट्रा डे बेसिस, यहाँ सिंपल प्लान होना चाहिए अपना, सिनेरियो नंबर 1,
नोट कर लीजिए, 17,420 इसके ऊपर हम बाय करेंगे, एसएल रहेगी अपनी ये वाली क्लोजिंग 17,397, फॉर द टारगेट 17,560। ये गैप अब 570 पे है, 560 पे है, वो देख लेंगे, गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो नंबर वन रहेगा जब अगर हमें ऊपर की तरफ नॉर्मल मार्केट खुलता हुआ दिखता है तो। अब 17,430 दिखे, 440 दिखे, वो जहां भी दिखेगा ई एस एल के साथ आप बाई कर लीजिएगा फॉर दिस गैप फिलिंग। एक दूसरा सिनेरियो हमको दिख सकता है कि भाई नीचे की तरफ दिखे जैसे आज, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, 17,320 से लेके 17,340 इस जोन के अंदर निफ्टी को बाय ही करना है, जैसे आज बाय किया था जहां पे मैंने बाय कॉल दिया था विद एसएल 17,300, सेम टारगेट है इसी चीज के लिए। ठीक है, तो यही सीन सिनेरियो है, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसी प्रकार से बाय साइड के ट्रेड खोजने, दो स्टेशन का मैंने आपके सामने जिक्र किया, एक 17,420 से लेके 17,450, एक ये स्टेशन नंबर वन जहां से ऊपर की गाड़ी पकड़नी है, एक स्टेशन नंबर टू अगर नीचे की तरफ मिल जाता है 17,320 से लेके 17,340 के बीच में, ये स्टेशन नंबर टू जहां से आपको ऊपर जाने की गाड़ी पकड़नी है। बस ये दो चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, इसी प्रकार से ट्रेडिंग होगी। बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है आज, और इसकी तो कैंडल ग्रीन ही बनी है, ये तो मुझे लगता है कि रुकेगा ही ऊपर जाके। ठीक है, इसमें सिंपल पैटर्न बनेगा दोस्तों, ये जो मैं अब देख पा रहा हूं। ठीक है, ये रुकेगा ही यहाँ पे, 41,500-600, इसमें मुझे नहीं लगता कोई रेड कैंडल बनेगी। जिस प्रकार का मोमेंटम, जिस प्रकार का प्राइस एक्शन आज देखा है मैंने, आज देखा है, इस कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल बहुत बड़ी, वे सॉरी दोस्तों ये डॉगी है मेरा, ये भी बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल है, पर ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, वीडियो क्यों खराब कर रहा है, तो बेटर है। आज जैसे तैसे कर कुरा के ऐसे माहौल में भी इसने 40,800 के ऊपर क्लोज किया, तो यहां ये सीधा जाके रुकेगा ही यहाँ 41,200 के आसपास, यहाँ पे नहीं रुका तो सीधा यहाँ जाके रुकेगा 41,500 के आसपास, ये सीधा ऊपर ही जाएगा जो मुझे लगता है। ठीक है, यहां से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देन फिफ्थ, ये इसके ऊपर भी जा सकता है 41,600। तो फिलहाल ये है सीन सिनेरियो, निफ्टी बैंक निफ्टी बी ऑन बाय साइड। बैंक निफ्टी में अब आप अपना एसएल खिसका लीजिए, जो सुबह मैंने 40,550 बोला था आपको, इंट्राडे बेसिस पे 40,650 कर लीजिए, पोजिशनल 40,500, ये पोजिशनल वालों के लिए ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसे लागे खिसकाते चलिए, जो पैसा कमाया है उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके नीचे आता है क्लोजिंग या रहता है टिकता है, एक बार को मार्केट से एग्जिट ले लीजिए, शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, और मुझे नहीं लगता है ये बियर को मौका देंगे एग्जिट भी होने, नहीं देंगे। बहुत लोगों ने पुट लेके बैठे हुए हैं, बैंक निफ्टी की 37,500 36,000 तक की पुट ले रखी है कि बैंक डूबे हैं, बैंक निफ्टी गिरेगा, ये उनके पैसे जीरो जब तक कर नहीं देगा मानेगा नहीं। ठीक है, यही होती है मार्केट की साइकिल। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।